नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जसराना क्षेत्र के ग्राम कमलापुर में आयोजित जहारवीर बाबा की कथा समारोह में सैकड़ों भक्तों ने भक्ति के सागर में गोते लगाए और जहारवीर के जन्म की कथा का आनंद लिया। कोगा मेड़ी बागड़ धाम गौरक्ष टीला के पीठाधीश्वर बाल योगी महंत रूपनाथ जी महाराज ने श्रद्धालुओं को दिए प्रवचन में कहा कि भगवान से अगर श्रद्धा से कुछ मांगो तो अवश्य मिलता है। तीनों लोकों के नाथ में अपार शक्ति के साथ अपने भक्तों के लिए दिल में असीम प्रेम है। भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त निराश हो, लेकिन इसके लिए भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना जरूरी है। आज के समय में लोगों के पास भक्ति के लिए समय नहीं है। वो भगवान से मांगना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन भगवान का स्मरण करने के लिए समय नहीं है। मानव के पास ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रूपनाथ जी महाराज ने निरंतर पेड़ काटने पर इसे मानव जीवन को सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा, हर मानव को अपने जीवन में एक पेड़ लगाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि नीव, आम, पीपल, पाखड़ के पेड़ लगाएं ताकि अपने आसपास सुरक्षित वातावरण रहे। देश देते हैं कि आप प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ मत करो। ये प्रकृति जो है, ये हमारी माँ है, हमें अपने बच्चों की तरह पालती है, अपने संतान की तरह पालती है, लेकिन हम इनकी इसकी संतान जो है वो प्रकृति माँ से सही से इसका जो है आज्ञा का पालन नहीं करते। सबसे बड़ा श्रृंगार इस धरती माता का जो है वह है पेड़ पौधे। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर